लॉकडाउन में आपको मोमोज की याद आ रही होगी ना, मुझे भी बहुत आ रही है। तो चलिए आज मोमोज की रेसिपी देखते हैं। हेलो, आई एम मोनिका टावरी, स्टूडेंट ऑफ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, पैशनेट फॉर कुकिंग एंड अ बिग फूडी। सो वेलकम टू मोनिकास कुकिंग स्टेशन। तो आज हम बनाएंगे मोमोज एकदम सिंपल तरीके से और एकदम कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे पहले ही अटेम्प्ट में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर याद रखिएगा, पूरी रेसिपी लास्ट तक अच्छे से देखिए और पूरी प्रोसीजर वैसे ही फॉलो कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं मोमोज का आटा। उसके लिए एक बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसमें मैंने 1.5 कप मैदा और अभी 2 चम्मच नमक डाला है। उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। इसमें तेल बहुत ज़रूरी है, करीब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट हमारा डो बनेगा। अभी इसे बस मिला लीजिए, इसका हमें मोयन जैसा नहीं करना है, बस मिलाना है और डायरेक्ट हम इसका आटा लगा लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, गर्म या ठंडा पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल जैसा पानी होता है वैसे ही पानी लेंगे और उससे हम अच्छा सॉफ्ट डो बना लेंगे। जैसे हमारा रोटी का डो होता है ना, वैसे ही बनेगा ये डो। एकदम सॉफ्ट डो बना लीजिए जल्दी जल्दी से, पर उसे अच्छे से गूंदिए और उसकी अच्छे से मसाज कीजिएगा। देखिए हमने आटा काफ़ी अच्छे से लगा लिया है, हमारा आटा भी रेडी है। अभी इस पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और तेल डाल के तेल के साथ में इसे एक बार और मसल लेंगे, एक बार अच्छे से और गूंदिएगा। अभी हमारा फाइनली आटा बनके एकदम रेडी है। इसे ढक के रख दिए करीब 15 से 20 मिनट तक। अभी हम बना लेंगे फिलिंग्स। तो मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए पहले हम गैस ऑन करके तेल को गरम कर लेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिएगा। वैसे तो मोमोज बनाना बहुत आसान है, इसमें आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने सारी प्रोसीजर्स वैसे ही फॉलो किए तो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 30 मिनट देने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें डालने वाले हैं सबसे पहले लहसुन। लहसुन की करीब मैंने 2 से 3 कलियाँ ली है और 2 हरी मिर्च ली है। लहसुन और हरी मिर्च को करीब 30 सेकंड तक हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम इस समय पे मैंने मीडियम रखी है। जब लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून जाए तो हम उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज। ये एक मीडियम प्याज लिया था मैंने और उसे एकदम बारीक काट लिया है। उसे अच्छे से फाइनली चॉप करके लीजिएगा। अभी प्याज को भी हम करीब 30 सेकेंड या 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे एकदम ब्राउन नहीं होने देना है, उससे पहले ही हम इसमें डाल देंगे किसी हुई गोभी। गोभी को हमें अच्छे से घिस के ही डालना है। अगर आप उसे काटोगे तो एक क्रंच आएगा, लेकिन मोमोज जब हम खाते हैं ना तो उसमें क्रंच तो चाहिए, लेकिन जब आप घिस के गोभी डालोगे तो उसमें बहुत ही सॉफ्ट और एकदम क्रंच और सॉफ्ट क्रंच आएगा, तो वो खाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैंने इसे घिस के डाला है। अभी गोभी को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक, 1 या 2 मिनट तक आप अच्छे से भून लीजिए। 2 मिनट बाद देखिए गोभी अच्छे से भून गई है, गोभी पक गई है। इस समय पर हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हम बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ नमक और अभी मैंने काली मिर्च डाली है। बस हमारे स्टफिंग के लिए हमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। अभी इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। याद रखिए मोमोज में हम स्टफिंग के लिए जितने भी वेजिटेबल्स पकाएंगे उसमें बिल्कुल भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा ही पकाना है। अभी हमारी स्टफिंग रेडी थी। अभी हमने जो आटा लगा के रखा था ना, उसके हम इस तरीके से छोटे छोटे गोले बना लेंगे, क्योंकि अभी हमें आटे का काम है। स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। इस तरीके से सारे गोले बना लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेंगे गोला, उसको थोड़ा सा मैदे में डस्ट करेंगे और उसको एक पतली गोल रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत बड़ी रोटी नहीं चाहिए हमें, छोटे साइज़ की रोटी चाहिए। आपको स्क्रीन में दिखेगा ही, वीडियो में दिखेगा ही कि हमें साइज़ कितनी चाहिए लगभग।
तरीके से देखिए इतने साइज के हमें रोटियां बेल के रखनी है। मैंने करीब 5-6 या जितनी मैं मोमोज बना रही हूँ उतनी रोटियां बेल लूँगी। लेकिन जब आप रोटियां बेलोगे ना और उसे रखोगे तो याद रखिए कि वो सूखनी नहीं चाहिए और एकदम पतली बेलनी है हमें। अगर रोटियां बेल के रख दी और वो सूख गई तो आपके मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे। अभी देखते हैं मोमोज बनाने कैसे हैं। रोटी के एकदम बीचों बीच मैंने थोड़ी सी फिलिंग रख दी है स्टफिंग। और देखिए हम साड़ी की पटलियाँ करते हैं ना, उस तरीके से हम इसकी पटलियाँ करेंगे। इसके फोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही एकदम आसानी से बन जाएंगे। या आपने कभी मोदक बनाया होगा तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। देखिए बस बन गई, एकदम आसानी से बन जाएगी। और इसे इस तरीके से पैट कर दीजिए। हमारे मोमोज बन गए। ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मोमोज बस इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, याद रखिए हम पापड़िया बेल के रख रहे हैं तो उसे ढक दीजिएगा। या तो फिर आप जैसे जैसे मोमोज बनाएंगे वैसे वैसे एक एक पपड़ी बेलिए और बनाते जाइए। पपड़ी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो किनारे पे जिस टाइम पे हम प्लेट्स बनाएंगे ना उस टाइम के आपके मोमोज टूट सकते हैं, अच्छे से नहीं बनेंगे। मैं आपको क्लोजअप में एक बार फिर से बताती हूँ फोल्ड्स हमें किस तरीके से करनी है। देखिए आपको स्क्रीन में आसानी से दिख रहा होगा, बस इतने आसानी से बन जाएगा। वैसे मोमोज के काफ़ी शेप्स होते हैं। मैंने ये एक और एकदम बेसिक वाला शेप और एकदम इजी वाला शेप बताया है। अगर आपको और शेप्स देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। इसी तरीके से मैं सारे मोमोज बना के रख दूंगी और फिर हमें उसे स्टीम करना होगा। अगर आप मोमोज ट्राई कर रहे हो ना तो उसे एकदम गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद मोमोज का स्वाद एकदम कम हो जाता है, बिल्कुल आपको खाने में मजा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप मोमोज बना रहे हो तो उसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। और हाँ, उसके चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं चटनी की रेसिपी भी जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हम पहले इडली स्टीमर को स्टीम करने के लिए रख देते हैं और फिर मोमोज बनाएंगे। तो इडली स्टीमर को रख दिया और साथ ही में जो इडली प्लेट्स होगी ना उसे भी आप थोड़ा सा तेल लगा के रख दीजिएगा। देखिए हमने इडली स्टीमर में थोड़ा पानी रख दिया, इसे अच्छे से उबलने दीजिए हाई फ्लेम पे। इधर मेरे मोमोज भी रेडी है और अभी मेरे इडली स्टीमर भी रेडी है, मैंने पहले ही रख दिया था। बस इडली प्लेट्स में मैंने एक एक मोमो रख दिया है और सारे इडली प्लेट्स एक के ऊपर एक रख दिए हैं। इसे हम स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। देखिए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मोमोज किस तरीके से बनकर आए हैं। देखिए एकदम अच्छे से बनकर आए, एकदम अच्छे से निकल कर आए हमारे मोमोज। बस ये एक वाला कोने वाला थोड़ा बिगड़ गया, बाकी सब बिल्कुल अच्छे आए हैं। देखिए दिख रहे हैं ना एकदम टेस्टी, आप इसे ज़रूर बनाइए। मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो बस इसे खाने वाली हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है और आपकी रेसिपी कैसे बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी आपकी अच्छी बनकर आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाद में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली रेसिपीज के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।